देखिए गोलघर वहाँ है, ये है गोलघर का टिकट काउंटर। इस गोलघर में 140 टन अनाज रखने की क्षमता है। आपको गोलघर आके कैसा महसूस हो रहा है? हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज जो है गोलघर आए हैं, पीछे देखिए गोलघर है और हम सब गोलघर आज आ गए। कुछ दृश्य दिखा रहे हैं गोलघर के बारे में, कुछ बताएंगे और गोलघर में क्या क्या है वो सब दिखाते हैं आपको। तो गोलघर के बाहर है, देखिए बाहर हैं अभी। टिकट काउंटर इधर पड़ता है, तो चलते हैं टिकट काउंटर के पास। ये है गोलघर का टिकट काउंटर। टिकट कटा रहा है, 10 रुपया टिकट है। 8 साहब ने लीजिए लीजिए। ये है गोलघर और इधर हम सब गोलघर आ गए हैं, जो पीछे आपको दिख रहा है गोलघर। और ये जो है टिकट मतलब दिया 10-10 रुपया करके, और इसको जो है फाड़ दिया। जब प्रवेश कीजिएगा तो इस टिकट को फाड़ दिया जाता है, तभी प्रवेश देता है। तो आगे आपको दिखाते हैं। हम सब गोलघर के जस्ट देखिए पास में है, शायद दिखता होगा नहीं पता ना, और चढ़ना नहीं देता, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं है अभी तो फिलहाल। वहाँ गेट ऊपर, अगर ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा अभी तो ताला यहाँ से दिखाते हैं वहाँ पे जाके। तो आपको पहले सिनेमेटिक शॉट दिखा देते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कुछ इसके बारे में। गाइज इस गोल घर का कुछ नियम बताते हैं, जो 1784 में स्टार्ट हुआ था काम, और 1786 में इसका काम जो है समाप्त हो गया। ब्रिटिश का इंजीनियर द्वारा बनाया गया था, जब यहाँ पे अनाज का गोदाम के लिए ही इसको गोल घर को बनाया गया था, अनाज को रखने के लिए ही। गाइज इस गोल घर में 140 टन अनाज रखने की क्षमता है। इस गोल घर में ऊंचाई जो है 29 मीटर है, और सीढ़ी जो है 142 है। 142 सीढ़ी है इसका ऊपर जाने के लिए, जहाँ लास्ट तक ऊपर है ना, 142 सीढ़ी है इसका। कैसा है गोलघर का, आप चारों पट्टी दिखा देते हैं गोलघर के पास आसपास है क्या। पटना अगर आते हैं तो गोलघर आइए घूमने के लिए, अच्छा जगह है गोलघर, आप भी आइए यहाँ पे, देखिए गोलघर की नज़ारा यहाँ पे, और यहाँ कुछ अद्भुत नज़ारा है अभी दिखाते हैं। इधर जो है वो खरगोश है, खरगोश के ऊपर जो फाड़ दिया है, कचरा सब है उसमें डालिए। ये गोलघर के जस्ट बगल में बरगद का पेड़ है, देखिए। बाकी बात उस साइड जो है झूला लगा हुआ है, चलिए आपको दिखाते हैं उधर। गोलघर जो है पीछे है, जस्ट उसके इस साइड एक लाइट का सिस्टम है, जो पानी जो फोड़ा मारता है। तो अभी तो लाइट यहां, अभी तो यहाँ ख़राब है, तो यही है। और इधर ऐसा कुछ है, तो गाइस जो है गोलघर पीछे रहा, गोलघर से जस्ट इधर झूला सब है, बच्चा सब बहुत सारे झूला यहाँ पे झूल रहे हैं, देखिए झूला लगा है यहाँ पे, बहुत सारा बच्चा झूल रहे हैं। आपको गोलघर आके कैसा महसूस हो रहा है? हमको गोलघर में आके जन्नत का मज़ा मिल रहा है, जन्नत का मतलब महसूस ऐसा हो रहा है कि मत बोलिए, पूछने लायक नहीं। आप भी आइए, महसूस आइए, यहाँ आइएगा तब पता चलेगा क्या महसूस होता है। बहुत अच्छा इंजॉय आता है, आप भी आइए घूमिए फिरिए यहाँ पे, घूमने के लिए बहुत अच्छा यूनिक जगह है, आप भी आइए यहाँ पे गोलघर पे। अगर पटना आते हैं तो ज़रूर गोलघर आइए यहाँ पे घूमने के लिए, एक बार आइए देखिए, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। घूमने के लिए सही जगह है, सही जगह है यहाँ पे, बहुत बहुत मन लगता है, बहुत इंजॉय मुझे आया। गाइस आप भी अगर गोलघर आना चाहते हैं, स्टेशन से 20 रुपया किराया है, टेम्पो यहाँ पहुँचा देगा गोलघर, तो आप आ जाइएगा यहाँ गोलघर।
और हम सब यहाँ आके फुल्ली इंजॉय किए हैं। और ऊपर जो है गोलघर जो दिख रहा है, ऊपर चढ़ने नहीं दिया हम सबको, वहाँ अगर चढ़ने देता तो वहाँ से पूरा पटना का जन्नत दिखता, जन्नत दिखता। तो वहाँ तो चढ़ने दिया नहीं, और यहाँ का पार्क का इंजॉय किए हैं, पूरा पार्क इधर झूला लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। आप सब भी आइए यहाँ पे गोलघर का ही मजा लीजिए, अच्छा जगह है, घूमने लग जगह है, गोलघर देख लीजिए कैसा बना है, अद्भुत नज़ारा है गोलघर का। आप भी बहुत बड़ा है गोलघर, बहुत पुराना है, और इसके बगल में जस्ट गांधी मैदान भी पड़ता है, गांधी मैदान पड़ता है मैदान के। मगर अगर पटना आते हैं तो गोलघर आइए देखने के लिए, बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए, आइए मज़ा आता है, इंजॉय आता है यहाँ पे। आप भी आइए मज़ा लीजिए, गांधी मैदान के बगल में है गोलघर, देखिए गोलघर वहाँ है, और गोलघर के जस्ट चारों बगल साइड में रोड बना हुआ है देखिए, और ये रोड के बगल में लाइट भी व्यवस्था किया गया, देखिए लाइट जो रात को जो है पूरा मतलब रात को जो है लाइट जलता है, तो ऐसा यहाँ पे और सिस्टम किया है। जी वो जो गोलघर है वहाँ से कि यहाँ देखिए बनाया गया है, यहाँ से आप फोटो जब क्लिक कीजिएगा गोलघर का वो पूरा सीन आ जाता है। तो गाइस ये जो सीढ़ी, ये जो सीढ़ी देख रहे हैं, यही सीढ़ी से जो दो सीढ़ी है, दो सीढ़ी है, ऐसा ऐसा दो सीढ़ी की साइड है, एक वो साइड है, यहाँ से जो अनाज को रखा जाता था, यही सीढ़ी से जाके ऊपर में अनाज रखता था, और गेट वहाँ पे चार गेट बना हुआ है, और चार नीचे गेट में, नीचे में चार गेट है, वही गेट से निकलता था, और यहाँ से ऊपर से अनाज डाला जाता था, नीचे जो गेट बना उससे निकाला जाता था। चार गेट है और दो सीढ़ी है, आपको गेट भी दिखाते हैं। तो गाइस ये जो है गेट है, देखिए बाहर निकल, यहीं से अनाज निकाला जाता था, देखिए ये गेट है और नीचे में है, तो यहीं से अनाज निकाला जाता था, और ताला भी लगा हुआ है। पहले का कड़ी कितना है, पहले के जमाने का कितना मोटा है, मोटा मोटा कड़ी है। यहाँ पे भी गेट है जो इधर अंदर में है, अंदर में शायद शो होता होगा, कुछ चीज का कुर्सी सब लगा है, तो अंदर में शो होता होगा ऐसा कुछ है, देखिए गोलघर का। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें, ताकि मेरा वीडियो आपके तक पहुंचे, तो वीडियो को एंड तक देखें, फुल वॉच कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।